Hello my lovelies, welcome or welcome back to my channel. It's me Rachita and you're watching Tag Glam Girl Rachita. So guys, if you're new to my channel, do consider subscribing, like my video, share my videos and hit the bell icon so that whenever I upload the video, you get notified and you can watch my video. So guys, let's quickly straight dive into the video. So guys, आप मुझे बताओ कि आप कितना ख्याल रखते हो अपनी बॉडी का, बॉडी मतलब कि अंडर आर्म्स का. आई एम श्योर आप इसको नेग्लेक्ट कर देते होंगे और सिर्फ फोकस करते होंगे खुशबू आने के ऊपर, क्योंकि खुशबू तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्किन टैन हो, काली हो, जैसी मर्जी हो, पर हमारे अंडर आर्म से खुशबू आनी चाहिए. उसके लिए आप रोल ऑन लगा लो, कोई परफ्यूम लगा लो, डीओ लगा लो. कपड़ों पे तो लगाएंगे, साथ में अंडर आर्म्स में भी लगा लेंगे. क्यों? क्योंकि बदबू तो वहीं से आती है. ऑब्वियसली बात है, बदबू वहीं से आती है और बदबू किसी को पसंद भी नहीं है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी तरीके का केमिकल अपनी अंडर आर्म्स में लगा लो, जिससे कि आपकी अंडर आर्म्स जो है वो खुशबू तो देंगे बट काले हो जाएंगे और जिसको ना फिर वापस से ब्राइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बात कर रही हूँ अंडर आर्म्स के बारे में, उनकी डार्कनिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है. स्लीवलेस कपड़े, स्ट्रैपलेस कपड़े हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है. मैंने भी वही पहने क्योंकि मुझे भी वही बहुत ज्यादा पसंद है. बट क्या हो कि अगर ये कपड़े पहन के मैं अपने आर्म्स ही ऊपर ना कर पाऊं, क्यों? क्योंकि मेरी अंडर आर्म्स काली है. नो, मैं नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपके अंडर आर्म्स क्लीन होंगे, उसमें हेयर नहीं होंगे और वो व्हाइट होंगे. अगर वो डार्क होते हैं, काले होते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि मतलब हम हाथ ऊपर करें, कोई देखेगा तो कहेगा कैसे काले काले हैं, पक्का इसमें से स्मेल आती होगी. भले इसमें स्मेल आए या ना आए, बट उसकी जो अपीयरेंस है ना, वही इतनी खराब हो जाती है कि इंप्रेशन खराब हो जाता है हमारा. डार्क अंडर आर्म्स का जो एक रीजन था वो तो मैंने आपको बता दिया. रोल ऑन परफ्यूम, डीओ जब आप लगाते हो ना अंडर आर्म्स में, तो वो ब्लैक हो जाते हैं. नो डाउट, बाल हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं और उसकी बालों की वजह से ना क्या होता है, स्वेट बहुत ज्यादा आता है. और स्वेट के लिए क्या होता है, स्वेट ऐसे ही आता है, ऐसे ही वो ड्राई हो जाता है. और हमें तो पता है कि जो स्वेट होता है वो उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं और उन बैक्टीरिया की वजह से ना हमारे जो अंडर आर्म्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, टैन हो जाते हैं. और बहुत बार तो मैंने ऐसा भी देखा, बहुत लोग करते हैं, आप भी करते होंगे आई एम श्योर. अगर करते हो तो छोड़ दो. जब भी वेदर चेंज होता है, समर्स आते हैं, तो टैल्कम पाउडर लेके भर भर के अंडर आर्म्स में लगा रहे हैं. क्यों? क्योंकि स्वेट आ रहा है. उस स्वेट को रोकने के लिए आप टेल्कम पाउडर लगा रहे हो, बट क्या आपने कभी ये सोचा कि आप उस टेल्कम पाउडर का कर क्या रहे हो? आप उसको कभी वापस साफ तो करते नहीं, वो वही लगा रह जाता है. जितना भी स्वेट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता रहता है और वो ऐसे एक लाइन सी बन जाती है. तो उसके अंदर भी इतना बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है ना, कि एक तो आपकी बीमारियों की वो जड़ बन जाता है, प्लस आपके अंडर आर्म्स को वो हद, कई हद तक ना डार्क बना देता है. तो बदबू नहीं चाहिए, डार्क अंडर आर्म्स नहीं चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो? आप बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, आप ये यूज कर सकते हो. ये है 7 days फील ऑफ नेचर का अंडर आर्म्स क्रीम. आपको करना ही क्या है गाइस, इसकी क्वांटिटी लेनी है आपको. इस टाइप का इसका कलर है, टेक्सचर ऐसा है, मतलब टेक्सचर इसका पूरा, मतलब मॉइस्चराइजर जैसा भी नहीं है, सीरम जैसा भी नहीं, जो बीची कंसिस्टेंसी होती है ना बिल्कुल वैसा है. और बस इसको आपको लेना है और खुशबू भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है. तो इससे क्या होता है, क्या फायदा होगा कि आपको कोई भी किसी भी टाइप का पाउडर, परफ्यूम, डीओ कुछ भी ना इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आपको खुशबू भी प्रोवाइड करवाएगा और यही ना आपकी जो अंडर आर्म्स है उनकी टैनिंग भी हटाएगा. बस आप इस क्रीम का क्वांटिटी लो और अपने अंडर आर्म्स में ना इसको इस तरीके से लगा लो. दिन में 2 बार कर लो, सुबह और शाम. अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कराओ. जब तक कि आपकी बॉडी में, आपके अंडर आर्म्स में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता ना, तब तक आपसे इसको मसाज करते रहना है. और जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा सो बस आप इसको छोड़ दो. बहुत ही जल्दी ना ये एब्जॉर्ब भी हो गया है. सो इसका आप यूज कर सकते हो अपने अंडर आर्म्स को ब्राइटन अप एंड लाइटन अप करने के लिए. नॉनस्टिक की फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार चिपचिप हो रही है, क्या करे, वापस से पाउडर लगा लें क्या? नहीं, एकदम ना आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. आपको बिल्कुल भी ये सब वेट वाली फीलिंग नहीं आती है कि हाँ स्वेट आ रहा है या कुछ है. और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने रोल ऑन लगाया है. बट सिंस आपने रोल ऑन नहीं लगाया है तो आपको डार्कनिंग और टैनिंग भी नहीं होगी. ये देगा आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट. अगर आपकी ऑलरेडी टैनिंग, डार्कनिंग हो गई है तो ये उसको हटाएगा, उसको दूर करेगा धीरे धीरे. और अगर नहीं हुई है तो उसको आने नहीं देगा. सो दोनों ही कंडीशन में ना आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो. इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है और ग्लिसरीन है. सो ये हमारी बॉडी को सूद भी करेगा, अच्छी खासी खुशबू भी देगा और बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन और नरिशमेंट भी देगा. और चिपचिपा बिल्कुल नहीं बनाएगा. अब ऐसा होता है ना कि अगर चिपचिपा नहीं बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है फिर ड्राई बना देगा. ड्राई भी नहीं बनाएगा. इसके बाद ना आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है. मुझे काफी ना काफी अच्छा फील हो रहा है. यहाँ पे किसी टाइप का कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबेंस, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन कुछ भी नहीं है जो हमारी स्किन को ना हार्श होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. किसी भी टाइप की कोई स्किन की इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन कुछ नहीं होता है इसको लगाने से. बट हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है
तो हर एक चीज का आपको ना पैच टेस्ट करके देख लेना चाहिए। तो इसका भी आप पैच टेस्ट करके देख लेना, आपको सूट करता है तो आप लगाना, एंड आई एम श्योर 100% गाइस ये आपको सूट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके इंग्रीडियंट्स बड़े ज्यादा नॉर्मल हैं और आपको वो सूट करेंगे ही करेंगे। बहुत बार ना डार्कनिंग और टैनिंग के साथ साथ हमारी स्किन में बहुत ज्यादा इरिटेशन, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, खुजली की भी बहुत ज्यादा शिकायत होती है, ये उससे भी आपको बचाता है और आपकी स्किन को ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सफल बनाता है और इस हद तक मॉइस्चराइज रखता है कि आपको ना इसे ड्राइनेस की वजह से इचिंग नहीं होती है। इचिंग नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। हर एक स्किन टाइप पे ना सूट भी हो जाता है, आपकी कैसी भी स्किन हो, आपकी नॉर्मल हो, ऑयली हो, ड्राई स्किन हो या फिर कॉम्बिनेशन स्किन हो, सब पे सूट करता है। इवन सेंसिटिव स्किन पे भी ना ये बहुत अच्छे से सूट कर जाता है। आर्मपिट्स में होने वाले रेडनेस, रैशेस, वार, इन सब को भी ना ये 100% दूर करता है, क्योंकि इसकी जो फॉर्मुलेशन है ना वो उसको फोकस रख के बनाया गया है कि जो आपकी जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं उसको किस तरीके से ना ये प्रोटेक्ट करके रखे। जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए कि इसमें एलोवेरा है, वाइटामिन ई है, ग्लिसरीन है, ये तो है ही है, बट इसके अलावा भी ना ऐसी चीजें हैं जो इसको बहुत अच्छी खुशबू भी देती हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती है आपके डार्क आर्मपिट्स के लिए। तो मिल जाता है मलबरी एक्सट्रैक्ट। मलबरी हैज नेचुरल लाइटनिंग प्रॉपर्टीज एंड इम्पार्ट्स अ फेयरनेस दैट कैन नॉट बी मिस्ड। राइस एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर एंड दैट इज द इंग्रेडिएंट दैट हेल्प्स टू फेड द डार्क स्पॉट्स। और कोजिक एसिड क्या करता है, इट हैज अ वाइटनिंग एबिलिटी एंड इज यूज वाइडली इन द कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। राइट, इंडियन स्किन इज नेचुरली अ बिट डार्कर ऑन द आर्मपिट्स एंड इंटीमेट एरियाज, बट विद दिस 7 days अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम You can actually flaunt sleeveless outfit, beach wear without having to worry about body odor, excessive sweating and dark skin. इतने ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें मिलके ना आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवा देती है। आपको बैड ऑडर से बचाती है, आपको स्वेट से बचाती है, परफ्यूम लगाने की जो हैबिट होती है उससे भी आपको बचाती है। तो अगर आप इसको ही लगा लेते हो ना अपने अंडर आर्म्स में या फिर अपने सेंसिटिव एरिया में, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। कुछ दिनों में ही ना इसका रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा और काफी ज्यादा लाइट वेट है, हैवी आपको फील नहीं होती, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये 100 ग्राम की क्वांटिटी है, 499 इसका एमआरपी है, चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आपको मिलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, तो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। सो चलिए चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल गाइस, बाय बाय।